दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों मखाने को तो आप सभी जानते ही हैं, खीर में इसे बखूबी, खीर में, हलवा में, या आप किस किस सब्जियों में भी यह डाला जाता है। लेकिन इसके औषधीय गुणों से कुछ लोग वंचित रहने के कारण इसका पूर्ण तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इसी की जानकारी आज हम आपको देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, यदि आप मखाने की खीर नियमित रूप से कुछ दिन खाते हैं तो इससे नपुंसकता दूर होती है और धातु क्षय यानी वीर्य की कमी हो, शुक्राणु की कमी हो, तो मखाने उतनी ही लें और उतना ही आपको मिश्री लें। दोनों को बराबर पीस करके इसी कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के जार में आप रख दें। एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को नियमित रूप से कुछ दिन खाते हैं तो इससे धातु क्षय, जो शुक्राणुओं की कमी है, वो पूरी हो जाती है और पथरी रोग में भी इससे लाभ मिलता है। पेशाब की परेशानी में, यदि पेशाब धीरे धीरे आता है या कठिनाई के साथ आता है, तो मखाने को गर्म पानी के साथ आप चबा करके थोड़ा पानी पी लें तो कुछ ही दिन में ये मूत्र कुष्ठ यानी मूत्र पेशाब करने में जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नपुंसकता के लिए मखाना और मिश्री बराबर मात्रा की पीस करके आप नियमित रूप से ले सकते हैं। और दोस्तों नाभि की सूजन के लिए ताल मखाने की जड़ का काढ़ा 40 ग्राम की मात्रा में दूध में मिक्स करके सुबह शाम नियमित रूप से कुछ दिन लेते हैं तो इससे नाभि की सूजन दूर हो जाती है और नाभि अपनी जगह पर रुक जाती है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को प्रारंभ देते हुए सभी गुरुजनों से चरण स्पर्श, भाई बंधुओं को ढेर सारा प्यार व नमस्कार। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की।